वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते। और सुना आपने, लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मुलाकात कराएंगे उस इंसान को आप पहली बार देखेंगे और उसकी बातें ना तो आपने कभी सुनी है और ना आगे सुनेंगे, क्योंकि जब मौत आती है तो वो पूछकर इनसे रू निकालती है। हालांकि आपको बता दें, काफी चर्चा में आजकल ये वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वायरल वीडियो, लेकिन इनकी बातें जब आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे और पता नहीं आप क्या क्या इनको नाम से नवाजे, इनका क्या क्या नाम रखें, क्योंकि ऐसा है जो कोरोना वायरस और तरह तरह की जो बीमारियां आई हैं वो ऐसी नहीं आई हैं। जब तक ऐसे लोग रहेंगे दुनिया में, ना जाने किस किस चीज का सामना करना पड़ सकता हम लोगों को। लेकिन इस वीडियो को देखकर पूरा देखिए और ये देखिए कि कितनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, जो समेटना मुश्किल, क्या कुछ कह रहे हैं ये, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और कैसे हैं आप? ठीक हो साहब, फर्स्ट क्लास हूँ। अल्लाह का करम, अल्लाह के नबी का करम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम, हजरत अली का करम, ठीक हूँ। इस समय आप बहराइच जिले में, क्या लमसम पूरे यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है कि लाडली नेता, कोरोना का इलाज लाडली नेता ने ढूंढ लिया है। और एक सुनते हुए एक खबर ये भी आई है कि आपको आपकी रूह फरिश्ता निकालने आएगा तो उसका आपके वो पूछ के आपसे आपकी रूह निकालेगा, कुछ ऐसा सुनने में आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गौर फरमाए हमारी बात पर। वालिस से। हमारे यहाँ अचानक मौत किसी को नहीं आती कि कहूँ कि वहाँ मर गए। नहीं, हमारे यहाँ के मतलब आपसे है कि हमारे देश के राष्ट्रपति ये लेटिन वहाँ मर गए। हाँ, लेकिन आप हमारे नहीं होता ऐसा। हाँ, आपके हमारे यहाँ मौत की तिला हमारे बाप को 15 साल पहले आई, फिर 5 साल पहले आई, फिर तीसरी बार आई तो फरिश्ते आ गया। तीसरी बार में फरिश्ते आ जाता है, जितना चंटा बढ़वा लो। अच्छा, आप फरिश्ते से अपनी उम्र बढ़वा सकते हैं? उम्र टाइम बढ़वा लो यार। अच्छा, टाइम बढ़वा सकते हैं। हाँ, जितना टाइम बढ़वा लो, फरिश्ता साथ में रहेगा। जब आप कहो कि रू कब्ज करो तो वो रू कब्ज करेगा। अच्छा, बगैर जैसे रू कब्ज नहीं करेगा। आपकी वालदा मोहतरम का नानपारे में इंतकाल हुआ था, नहीं, उसमें नहीं हुआ था, आप गलत कह रहे हैं। हमारी माँ नेपालगंज में थी जी, तो मौत का फरिश्ता आया, उसने सलाम किया, अपना तारुफ कराया कि मैं फला फरिश्ता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं आपकी रू कब्ज करने आया हूँ, जो टाइम चाहो बढ़वा लो, आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो हम इलाहाबाद में थे, तो कहीं हमारा बेटा लाड ले तो इलाहाबाद गया है और हम यहाँ नेपालगंज में, तो कहे तो फरिश्ते ने कहा तुम जितना टाइम चाहो बढ़वा लो। जी जी, तो जी, अम्मा ने कहा कि हम बहराइच जाना चाहते हैं जी, तो कहे चलो जाओ भाई, हम साथ में रहेंगे, जब आप कहेंगे तभी रू कब्ज करेंगे जी। बगैर बताए आपके हम रू आपकी कब्ज नहीं करेंगे जी जी, जितना काम आपका कर लो और जो टाइम चाहे बढ़वा लो, हम साथ में है। अब फरिश्ता साथ में रहा, बहराइच चाहे हमको फोन किया, हम इलाहाबाद से आ गए, यहाँ जिन लोगों से मिलना था मिल लिया, और ये कह दिया कि भैया हम फरिश्ता मौजूद है, किसी का लेन देन हो ठीक कर लो। अच्छा, हमसे सारी बात पहले हो चुकी थी जी, अम्मा से तो कफन में सिलवा के रख लिया था अम्मा ने जी, खर्चा वगैरह सब इंतजाम हो गया था जी। तो फिर फरिश्ता पेश हुआ कि सब ठीक हो गया, ना सब ठीक हो गया, तो कहा अब कोई काम का इंतजार पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ लिया जी, पानी पी लिया, लेट गई, फरिश्ते ने कहा कहना अब रू कब्ज करो, तब रू कब्ज किया। आपके यहाँ आप बगैर इजाजत के रू कब्ज नहीं होती? हमारे यहाँ पुश्तैनी सिलसिला है। जैसे एक बात और सुनने में आई है कि आप कोई भी बीमारी की जो जड़ी बूटियाँ, जैसे लुकमान जो बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, लुकमान हकीम साहब, उनको बीमारी की जड़ी बूटियाँ बताते थे कि मैं फला मर्ज की दवा, वैसे कि आपके पास वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुलाकात कर लें, या हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब 2 मई से एक आज मुलाकात कर लें, मुफ्त में कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म करा दूंगा और दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दूंगा। वरना अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और सेंट्रल में कांग्रेस या खरीद फरोख्त का सौदा शुरू हो गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात सुन लें, अरे प्रधानमंत्री के इलेक्शन रोक दे,
प्रधानी का इलेक्शन रोक दे, अगर प्रधानी करवाए तो कहीं भैंस पानी में। अच्छा नेताजी एक बात ये बताइए, जैसे जो कोरोना का इलाज की आपके पास इलाज है कोरोना की बीमारी का, और एक बात ये जैसे हकीम लुकमान को जड़ी बूटियां बताती थी हम फला मच की दवा, ऐसी जड़ी बूटियां क्या आपको बताती मैं फला मच की दवा हूँ? आप बहुत लंबा कीजिए, तरमाना कीजिए, टाइम कम है, हम कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। मुफ्त में एक रुपया मांगे तो हाथ पे थूक दो, और न खत्म करी तो चौराहे खड़ा करके गोली मार दो उनका। अच्छा और क्या, दो में से एक आदमी का मिलना जरूरी है, चाहे मुख्यमंत्री मिले और चाहे प्रधानमंत्री मिले, दो में से एक मिले जी। अच्छा ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अब हम आपसे अलविदा ले, खुदा हाफिज करते हैं। आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज।